राजनांदगांव जिले में इन दिनों तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते जंगली जानवरों का बुरा हाल है। खेरागढ़ वन मंडल क्षेत्र में आज सुबह एक प्यासे तेंदुए की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू की। आज सुबह खेरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत गंडई परिक्षेत्र में एक तेंदुए की मौत होने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना के आधार पर वन अमला लवतरा गांव पहुंचा, जहां तालाब से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक मादा तेंदुए का शव पड़ा हुआ मिला। तेंदुए के पेट फूलने की वजह से मामला भीषण गर्मी के बीच मौत का प्रतीत हो रहा था। मामले की सूचना वन अमले की टीम ने उच्च अधिकारियों और पशु चिकित्सक को दी। वन विभाग के रेंजर सहित अन्य कर्मचारी भी लवतरा गांव पहुंचे, जहां पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पशु चिकित्सक की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया। गंडई वन परिक्षेत्र के लवतरा गांव के तालाब के समीप मिले मादा तेंदुए की उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वहीं चोट के कोई भी निशान नहीं होने से माना जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से पानी की तलाश में भटकते हुए तेंदुए की मौत हुई है। पशु चिकित्सक का कहना है कि तेंदुए ने एक बंदर खाया हुआ था जो पूरी तरह से पचा नहीं। इसके बाद जब उसे प्यास लगी और वह पानी की तलाश में यहां पहुंचा, तब संभवतः हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मौत हुई। गंडई क्षेत्र से तेंदुए सहित अन्य जानवरों की मौजूदगी है। इस घटना से जंगल के भीतर जल स्रोत सूखने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। भीषण गर्मी में पानी की तलाश के चलते जंगली जानवरों का आप बस्तियों की ओर कूच करना पड़ रहा है। ऐसे में इंसानी जान माल सहित जानवरों को भी खतरा है।